हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा है कि एक्सेस में सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसी के बारे में कि कैसे ये करेंगे। ठीक है, हालांकि मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस को ओपन करूंगा और ये 2007 ही ओपन करूंगा क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पे वर्क करते हैं। तो यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सिनेरियो नजर आएगा कुछ इस तरीके का, ब्लैंक डेटाबेस का। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कर दीजिए। इसी नाम से डेटाबेस आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर व्यू नजर आएगा, तो इसमें दो व्यू दिखाई देंगे, एक डेटा शीट, दूसरा डिजाइन। फिलहाल हमें डिजाइन करना है तो ये डिजाइन पर क्लिक किया और यहाँ पर टेबल वन ही नाम मैं रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दो नंबर एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे एक को मैं नाम देता हूँ फील्ड को नंबर वन और दूसरे को मैं नाम दूंगा नंबर टू। ठीक है, आप चाहे तो हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आपको छूट है, इसमें हिंदी में टाइप करना होगा तो आपको गूगल इनपुट टूल का यूज करना होगा, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए ये जो आईडी आ रही है, मैं यहाँ पर आईडी को हिंदी में टाइप करता हूँ, आई डी। ठीक है, तो देखिए ये हिंदी में टाइप हो, पर यहाँ पे वन कर देंगे वन। ठीक है, नंबर वन हो गया ये, और फिर यहाँ पे ये नंबर टू हो जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो ये वन यहाँ से चूज कर लेते हैं और ये नंबर टू हो जाएगा, तो ये हो गया नंबर टू। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कर लिया। और यहाँ पर ये जो डेटा टाइप होगा ना, इसे रखेंगे हम क्या, नंबर, ध्यान दीजिएगा, नंबर डेटा टाइप रखेंगे। तो ये नंबर डेटा टाइप रख लिया और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड यानी कि जोड़ना लिखना है। यहाँ पे जोड़ना मैं लिख देता हूँ ये इस तरीके से, जोड़ना। ठीक है, तो ये आ गया जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ के दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से हम जोड़ेंगे। और यहाँ पे भी डेटा टाइप क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे। फिर यहाँ घटाना करेंगे, तो यहाँ कर देता हूँ घटाना इस तरीके से। गूगल इनपुट टूल का यूज करेंगे तो आप लिख पाएंगे। आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। तो देखिए मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हिंदी पे टिक कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपको क्या रखना है, नंबर ही रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आएंगे तो फिर गुणा करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गुणा करेंगे हम। और यहाँ पर भी डेटा टाइप क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे। और यहाँ पे लिख देता हूँ भाग। ठीक है, तो ये हो गया भाग। और यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, डेटा टाइप नंबर रखेंगे, तो ये नंबर रख लिया। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कर लिया, ये व्यू पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है। पहला नंबर और दूसरा नंबर डालने की जरूरत है, बाकी चीजें होती चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहला नंबर फोर एंटर कर दिया हमने, दूसरा नंबर सिक्स एंटर कर दिया, तो यहाँ पे जोड़ के इन्हीं दोनों नंबर को जोड़ के फिर घटा के फिर गुणा करके और भाग करके दिखाए, कुछ ऐसा हमें चाहिए। तो अभी तो हमारी टेबल तैयार हो चुकी है, तो इस टेबल को हम सेव करके क्लोज कर देते हैं और यहाँ चलेंगे क्रिएट पर और यहाँ आएंगे क्वेरी डिजाइन पर। जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे आएंगे तो इस तरह का सिनेरियो आएगा, ऐड करवा दीजिएगा इस टेबल को। ये ऐड पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। और ये सारे फील्ड्स तो चाहिए नहीं, आईडी नहीं चाहिए हमें, नंबर वन चाहिए, नंबर टू चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, और ये हो गया आपका भाग, ये सारी फील्ड्स चाहिए होंगे। तो ये सारे फील्ड्स लेकर के, और सबसे पहले यहाँ जोड़ना सिखा देता हूँ आपको कैसे जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम भी करूंगा ताकि आपको देखने में सुविधा हो यहाँ से। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। और यहाँ पर कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगा दिया, और कॉलन लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको वही चीज टाइप करनी है जैसे हमने लिया है नंबर वन और नंबर टू। तो यहाँ पे लिखना है नंबर वन, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। तो ये लिखा गया नंबर वन, तो ये नंबर वन कर दिया हमने। और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके नंबर, तो देखिए यहाँ पे ये नंबर आ रहा है, तो नंबर यहाँ पे ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अब ये लिख लेने के बाद यहाँ पर अब ओके करना है, और ओके करने के बाद यहाँ से रन पे क्लिक करना है। तो रन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये जोड़ भी रहा है और घटा भी रहा है। ठीक है, दोनों काम कर रहा है। अब गुणा करने वाला है तो यहाँ से गुणा भी करके देखेंगे हम। तो यहाँ से गुणा वाले पे जाएंगे और फिर वही चीज करना है कि नंबर वन में नंबर कैसे लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, कॉलन लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और यहाँ पे नंबर वन हो जाएगा। तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही हमें लिखना है। ठीक है, तो ये नंबर वन हो गया, इसको बंद किया और अब हमको गुणा करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई नंबर टू करेंगे, तो नंबर टू करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि नंबर किस तरीके से लिखा गया है। तो ये हो गया नंबर टू, ये हो गया नंबर टू। और नंबर टू करने के बाद यहाँ से ओके कीजिएगा तो ये नंबर टू हो जाएगा। भाग देना है तो वैसे ही कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे आके भाग करेंगे हम, तो ये हो गया नंबर वन। ठीक है, और डिवाइडेड बाई नंबर टू, नंबर, अब देखिए नंबर टू करना है तो ये चीज ध्यान देनी है, तो नंबर टू हो गया। ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट रह गया था, अब आ जाएगा। तो ये यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये इसका
जो डिवीजन है वो भी आ रहा है। अब कभी भी आप दो नंबर को लिखेंगे ना तो यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तीनों होता चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए सेवन का, हम यहाँ पे आते हैं सेवन का और थ्री का करते हैं, तो सेवन और थ्री का पूरा डिटेल आ रहा है। देख सकते हैं पहले इन दोनों नंबर्स को जोड़ा जा रहा है, फिर घटाया जा रहा है इन्हीं दोनों नंबर्स को, फिर गुणा किया जा रहा है और फिर यहाँ पे भाग दिया जा रहा है, तो सारा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।